नमस्कार। आज हम जिस मूवी का हमने टीजर दिया था उसका हम ट्रेलर लेके आए हैं, जिसका ट्रेलर अभी आज ही रिलीज किया गया है। मूवी का नाम है अजमेर 92। इसमें अजमेर में जो भी कांड हुआ था ना, उसकी ये मूवी कहानी कहेगी, और फुल कहानी और सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। तो पहले इसका ट्रेलर देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें रिएक्शन कैसा है, क्या क्या दिखाया गया है, क्योंकि टीजर हमने डाला था, आप लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। तो अब हम ट्रेलर इसका आया, तो हम ट्रेलर रिलीज हुआ तो हमने लोगों के साथ साझा कर लिया था। तो हम आज इसका ट्रेलर साझा करने आए हैं, जिस मूवी का नाम है अजमेर 92। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर इसके बाद में छोड़े, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। होने वाले बहू का फोटो देखो, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ। रिलायंस इंटरनेट फिर उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों ने किया शहर को गंदा, हम पत्रकार लोगों को इतनी भी अकल छापनी चाहिए, कैसी नहीं छापनी चाहिए है। लड़की ने फांसी लगा ली, पेट से थी प्रेग्नेंट। इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। उमेश कुमार तिवारी किया है, नवीकरण कौन को बदनाम क्यों करना चाहते हो? उस पत्रकार को समझाइए, शहर की शांति न बिगाड़े। सबूत तो होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते। पुलिस वाला ये जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान नहीं है। इसके इतनी सारी लड़कियों की इज्जत का सवाल है, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनका। जीना हराम तो अभी भी है ना सर उनका, जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। जो भी है गीता, मुझे सच सच बताओ कि ये क्या चल रहा है? प्रेस रिपोर्ट आ रहा है, कौन है ये लोग? क्यों ना हम सब कुछ अपने घर वालों को बना दे। आज के बाद ये बात तेरी जबान पे नहीं आनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं, छोरी के माँ बाप होने का हर जाना तो भरना पड़ेगा। 1987 से चल रहा है सब, मजा नहीं ऐसी कितनी लड़कियां होंगी। न्यूज वाली बात को लेकर उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर शहर में दंगे करवाना चाहता है। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। सर मुद्दा हिंदू मुस्लिम के लड़कियों के बलात्कार का नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिनके हाथ में फोटो लगती सब उनको ब्लैकमेल करते, उनका रेप करते थे। 21 जुलाई को आ रही सिनेमा घर में 2023 को। तो ट्रेलर आपने देख लिया, ट्रेलर बहुत भयानक था और बहुत गंदा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है ना, वही दिखाया जाता है। इसमें कुछ भी वो नहीं था, पर ये हकीकत है कि 250 लड़कियों के साथ में अजमेर में, जो राजस्थान का इतना बड़ा माना हुआ शहर है, वहां पे 250 लड़कियों के साथ में रेप हुआ, और वो लड़के उन्हीं की फोटो दिखा के दोबारा 4 बार 6 बार उनके साथ रेप कर रहे थे। और ये खबर हमने पढ़ी थी इसमें अभी कि अजमेर में कुछ लोग चाहते थे कि ये मूवी इसके ऊपर ना बने, पर हाई कोर्ट, वहां के हाई कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी और मूवी बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो अच्छी बात ये है ना कि सरकार हमारा साथ दे रही है। उन 250 लड़कियों में कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर दी ना, पता ही नहीं चला कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर ली। ट्रेलर में दिखाया जाता है, जब शुरुआत होती है ना ट्रेलर की, तो उसमें दिखाया जाता है कि लड़के के माँ बाप लड़की की फोटो लेके मीडिया वाले के पास जाते हैं, मतलब एक लड़के के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो कहीं मेरी बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ था। और ये हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था, जैसे वो देखी थी ना द केरला मूवी, हमने देखी थी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, उसी पे वैसी ही मूवी है। उसमें तो खैर हिंदू मुस्लिम का वो दिखाया गया था कि कैसे वो वहाँ के लोग जिहाद के नाम पे भड़काते हैं और लड़कियों को फुसला रहे थे, और इसमें क्या था कि यहाँ से लड़कियों का 1992 में रेप हुआ था, और सारी लड़कियाँ कॉलेज की थी, और जब एक लड़की का रेप होता था तो उसमें दूसरी लड़की को वो जबरदस्ती लेके आते थे, फिर उनकी फोटो दिखा के वो सब ब्लैकमेल करते थे, और सब बड़े बड़े इसमें लोग शामिल थे। तो ये मूवी
हकीकत की है और हकीकत का सामना हम सबको करना चाहिए। अब इतना फोन आईफोन मीडिया चल गया है ना, पहले इतना नहीं था। और उसमें लड़की की माँ कहती है टेलर में कि जो हुआ सब भूल जाओ, दोबारा तुम्हारी जबान पे ये नाम नहीं, मतलब ऐसा ऐसी बात नहीं आनी चाहिए थी। कितने मजबूर रहे होंगे वो माँ बाप। वो जो पुलिस वाले होते ना उसमें वो भी कहते हैं कि दोबारा हम लड़की के माँ बाप होने का दुख भोग रहे हैं। तो लड़की कोई पाप थोड़े नहीं है जो हम दुख भोग रहे हैं, पर समाज ने ऐसा बना रखा है लड़कियों के साथ रेप हुआ, लड़कियों का बलात्कार हुआ और लड़कियों को भी तकलीफ उठानी पड़ रही है। लड़कियों के ससुराल वाले वहाँ जाके पता कर रहे हैं कि उनका रेप हुआ कि नहीं हुआ। उसमें जो नेता दिखाया जाता है वो ये कहता है कि सबको पकड़ के जेल में डाल दो, किसी को माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और हकीकत में ऐसी मूवी में दिखाया गया तो वो बहुत अच्छा दिखाया कि ऐसे भी किसी को माफ़ी। आज की बात है, हर एक घर की कहानी है और हर एक घर की कहानी अगर मूवी थिएटर में आ रही है ना तो हमें देखनी चाहिए और हमें समझना चाहिए। आज तो हमें जाग जाना चाहिए ना। द केला मूवी देखी, उसमें भी हमने देखा कि कितने लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इसमें तो इनका साथ देना चाहिए ना। ये मूवी आ रही है 21 जुलाई को सिनेमाघरों में और इसमें जो हीरो हैं वो करण वर्मा हैं, सुमित सिंह हैं और सयाजी हैं, मनोज जोशी हैं, वीरेंद्र कालरा हैं, जरीना हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है और ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। सत्य घटना पर, क्राइम, जो क्राइम कभी हुआ था और जो क्राइम आज हो रहा है उस पर आधारित है। तो इसलिए इस मूवी को जरूर देखना चाहिए और ऐसी मूवी पे बैन नहीं लगना चाहिए ताकि सारी लड़कियों को सारी समाज को ये पता चले कि हाँ जो 1992 में हुआ था वो दोबारा नहीं हो सकता है। क्योंकि आज समाज में लड़कियां भी जाग गई हैं, उनके माँ बाप भी जागरूक हो गए हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। किसी की भी गुंडागर्दी वो लोग जैसे बुलाते हैं बार बार उनको अपने फार्म हाउस में बुलाते हैं और उनका यूज करते हैं ना, अब कोई नहीं कर पाएगा। तो उनको डर के रहना चाहिए ना जिन्होंने गलत किया, जिनके साथ गलत हुआ उनको डर के नहीं रहना चाहिए। हमने को ज़्यादा लेक्चर दे दिए पर क्या करें, ऐसी मूवी देख के ना तो दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, रिएक्शन वाइज एलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर करके बताइए कि हमने क्या कुछ गलत बोला। हमें जो समझ में आया हमने सिर्फ रिएक्शन में वही बोला है, हमें नहीं अच्छा लगा इसलिए हमने बोला। और हमने ये भी सच बोला है कि आज का हर इंसान हर लड़की जागरूक है, तो बच के उन लोगों को रहना चाहिए ना जो गलत करने के बारे में सोचते भी है, बच के लड़कियों को नहीं रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।